तुझे घर से दूर अलग अकेले यहाँ क्यों लाया? ताकि तुझे पूरी तरह काबू कर सके, तेरे साथ फरेब कर सके। मुझे जेल भिजवाया और रिहाई की रिश्वत में तुझे मार दिया। नहीं, नीव के पापा को धोखा हुआ है। ताहब की नजरें गंदी नहीं है। जितने ही इन बातों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं हम, उतने ही हमारे दिमाग में सवाल और खड़े हो जाते हैं। क्या हो गया आपको वंदना? आप ऐसा कैसे सोच सकती हो? काश इस वक्त हम किसी से बात कर पाते, भले ही जवाब ना मिलता लेकिन मन हल्का हो जाता। रेडियो सुन लेते हैं, शायद मन हल्का हो जाए। आगे कुआं है पीछे खाई, क्या आपके सामने कभी ऐसी सिचुएशन है आई? न जाने कितने लोग ऐसे होंगे जो इस वक्त अपने अंदर बैठे सवालों के जवाब ढूंढ रहे होंगे और उनकी तलाश खत्म ही नहीं होती है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है ना? लगता है आप भी किसी ऐसी कश्मकश में हैं, तो भी एक तरीका है जवाब पाने का। जी हाँ, बस कुछ पलों के लिए खुद को भूल जाइए, आंखों को बंद कीजिए और जवाब आपके सामने ही कहीं छुपा खड़ा मिलेगा। लेकिन मेरे कहने पे मत जाना, इसे आजमाइए जरूर। मैडम जी, शौर्य सर को अपनी डिश की बात करनी है वंदना मैम से। उन्होंने उनको अपने रूम में बुलाया है। ठीक है। वंदना जी, यहाँ आइए। मिस्टर खन्ना ने आपको रूम में बुलाया। गुस्से में ना हो साहब। शौर्य खन्ना अंदर कपड़े बदल रहा है, उसको देखते ही इसकी चीख निकल पड़ेगी और उसके बाद सबके सामने शौर्य को घसीट घसीट के मारूंगा मेरी बीवी को छेड़ने के लिए। चलो भाई, अब लाई है डॉली तो इसे टांग भी दिया जाए।